उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 99 सैयद बाड़ा की निवासिनी खुर्शीदा बेगम पत्नी करम मोहम्मद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके परिवार के साथ दिनांक 13/9/2022 को समय लगभग 11 बजे दोपहर एक घटना घटी, जिसके संदर्भ में वो थाना कोतवाली नगर जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया था, जहां विवेचक के द्वारा पीड़िता के मेडिकल 161 व 164 का बयान भी करवा लिया गया है, जहां पीड़िता ने बताया कि कोतवाली से अपराधियों की मिलीभगत के चलते कोतवाली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार न कर उनका साथ देकर सुलह समझौता की बात कर रही है। वहीं पीड़िता ने बताया कि आए दिन पीड़िता व उसके पति को कोतवाली बुलाकर सुलह समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं उक्त आरोपी दिनांक 23/9/2022 को पीड़िता के घर जाकर पीड़िता व उसके पति करम मोहम्मद, जो कि पेशे से एक टीवी चैनल में पत्रकार हैं, को दबाव बनाकर लिखाए गए मुकदमे में सुलह हो जाने की बात कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के मुताबिक आरोपी डरा धमका रहा है कि अगर तुम लोग सुलह नहीं हुए तो तुम्हें जान से मार देंगे या फिर कहीं गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट करा देंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस हमारी कठपुतली बनी हुई है, हम पुलिस को जो कहेंगे पुलिस वही करेगी। पीड़िता ने बताया कि इस प्रकरण के बाद से उसका परिवार डरा है, जिस संबंध में पीड़िता आज SP ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। फतेहपुर से राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीदा बेगम है। कहाँ के रहने वाले हो? सैयदवाड़ा नदी। आज यहाँ कहाँ पे आई है? आज यहाँ कप्तान साहब के आए थे। क्या मामला है? मामला ये है कि 13 तारीख को मेरे साथ अश्लील हरकतें हुई थी जी, जिसके खिलाफ हमने 15 तारीख का मुकदमा दर्ज किया था जी। उस पे इनके ऊपर कई धाराएं भी लगी हैं, गुड्डू रिजवान और नदीम के खिलाफ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सैयदवाड़ा के ही रहने वाले हैं जी। और जो है तो इन लोगों ने अश्लील हरकतें बहुत की, उस पर मुकदमा भी सब कुछ हुआ, सब हुआ, जज के सामने मेरा बयान भी 164 हो गया है जी। और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम गए थे, मतलब हमारे हस्बैंड कोतवाली गए थे, तो वहाँ पे कोतवाल ने कह दिया कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए जी। तो उस पर ये वक्त मुकदमा भाई क्यों वापस ले, तो उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ अपनी अपील लेकर आए थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये इन्होंने दिया है कि आप परेशान न होइए, आपके साथ तब न्याय होगा। क्या नाम है? बोला मेरा नाम खुर्शीदा बेगम है। कहाँ से रहने वाली? लाला बाजार सैयदवाड़ा। कौन सा थाना पड़ा? थाना अबू नगर। वही